तो अपने पास आ रखी थी अलीगढ़ से हीरो स्प्लेंडर BS6 मॉडल रहने वाला है, ठीक है जी। और बाइक के अंदर काम बता दो हमने क्या क्या करा है। तो फ्रंट में आपको हेडलाइट दिख रही होगी बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो कंप्लीट LED सेटअप है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम चाबी ऑन करते हैं तो चाबी ऑन करते हैं, अगर यहाँ से इसको ऑन कर देंगे हाई बीम, तो हाई बीम की रिफ्लेक्शन देखो मेरे हाथ पर कितनी तेज़ आ रही है। और ये देखो जी, तो पावर काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। अगर सामने की बात करूँ तो देख सकते हैं आप वॉल पर वहाँ पर, ये देखो रोशनी काफ़ी तेज़ है, ये देखो तो रोशनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलने वाली है इसके अंदर। अगर बात करें यहाँ से इस बटन को, अगर मैं ऑन कर दूंगा तो इसके अंदर हमको डुअल टोन कलर मिलेगा देखने को, जो कि है रेड एंड ब्लू, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये, पुलिस लाइट की तरह दिखता है और ब्लिंक कर रहा है इसमें। और अगर बात करें इसको ऑन ऑफ कर देंगे तो ये स्टे मोड रहेगा, देख सकते हैं आप, तो स्टे मोड में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है लाइट ये। और साथ में अगर हम यहाँ से हाई बीम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हेडलाइट जल जाएगी, साथ में हमारी ये डुअल टोन जो कलर है ये भी मिलेगा देखने को, ठीक है जी। तो ये काम हुआ है, लाइट की प्रॉपर फिटिंग हुई है। फिटिंग करके जो चार्ज हुआ है वो अराउंड 1100-1100 रुपये के आसपास रहने वाला है, वो आप देख लेना। और बाकी अगर मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ इसको भी, और इसके अंदर हमने लगाई है रिम लाइट जो है उसमें रहेगा स्टे मोड, मतलब कि ये डायरेक्ट चाबी से, लाइक जैसे यहाँ से चाबी मैंने बंद कर दी है तो लाइट बंद हो चुकी है। इसके लिए कोई एडिशनल हमने बटन यहाँ पे नहीं ऐड ऑन करा है, ये कस्टमर की डिमांड थी तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करा गया। जैसे कि यहाँ पे इग्निशन ऑन करोगे तो डे लाइट कंडीशन में या फिर नाइट में ये लाइट ऑलवेज ऑन रहने वाली है आपके इग्निशन के साथ साथ। और अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जैसे ये मैंने भाई, अब ब्रेक अप्लाई करना, तो देखो जैसे ब्रेक अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे जो है डुअल टोन कलर जो निकल कर आ रहा है अपना मैट्रिक्स स्टाइल में येलो, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। भैया ब्रेक छोड़ना, अब यहाँ पे हमारी वाइट ऑन हो जाएगी अगेन, ठीक है, ठीक है, वाइट हो गई, ये स्टे मोड रहने वाला है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगी देन उसके बाद जो है ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगी, मैट्रिक्स स्टाइल में रहने वाली है, ठीक है। अब बात करें इंजन प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर लगाई गई है इंजन प्लेट जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, काफ़ी अच्छी मतलब हैवी क्वालिटी की चादर इसमें यूज़ करी जाती है, उससे बनती है ये वाली बेस प्लेट, तो ये इसमें ऐड ऑन करी गई है। और बाकी रियर में अगेन जो फ्रंट में LED लाइट का सेटअप है सेम वही यहाँ पर डाला गया है। बाकी पीछे रियर में ले चलता हूँ, तो पीछे की टेल लाइट में क्या करा है भाई, तो टेल सेक्शन की बात करें तो टेल में देख सकते हैं जैसे हमारी टेल लाइट ऑन होगी सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारे ड्रम में जो लाइट होती है वो भी ऑन हो जाएगी मैट्रिक्स स्टाइल में, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। और जैसे ही अगर ब्रेक छोड़ देंगे, ब्रेक छोड़ना भाई, ब्रेक छोड़ना, ब्रेक, ये ब्रेक छोड़ी और यहाँ पे हमारी लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें काम हुआ है, बहुत बेसिक काम हुआ है। भाई की बाइक रहने वाली है, भाई आए थे अलीगढ़ से, तो भाई कैसा काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है, मतलब इतनी दूर से यहाँ पर आना सफल हो गया है, तो जो चार्ज लिया है इस काम का वो सही है, सेटिस्फाइड हो? ठीक है। बाकी जो है इसके अंदर भाई पीछे हम ब्लिंकर बल्ब ऐड करने वाले हैं, ये ना ब्लिंक करेगा जब ब्रेक अप्लाई करेंगे, जैसे हमारे मैट्रिक्स स्टाइल में रिम में लाइट जलेगी सेम एड्रेस हमारे टेल पैनल में जो ये कवर लगा होता है टेल लाइट का उसमें ये ब्लिंक करेगा। अभी मैं आपको इसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका बल्ब का आपको मैं चीज़ बता दूं, ये जो है ना बस डायरेक्ट अप्लाई करना होता है इसके लिए। अगर आपको लगता है कोई वायर कट हो या कोई वायरिंग करनी हो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपने वो हैलोजन निकाला है और उसको LEDs निकाल कर ये लगा दो, जैसे ये देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म देख लो आप, ये लग गया इसके अंदर। हम जैसे कि हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी, ये देख सकते हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी रहती है इसकी। और बाकी लाल वाले कलर वाले लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है जी। दोस्तों अपने पास आ रखी है 2017 मॉडल, लेकिन भाई ने क्या है कि अभी ना रिसेंटली जो इसका टैंक चेंज कराया है, वायर चेंज कराया है और एक दो पीस जो है प्लास्टिक के बॉडी वाले और दो वो चीज़ चेंज कराई है, ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, पूरी बॉडी हो रही है स्मोक, ठीक है, टेल सेक्शन हमने कर दिया है, ठीक है जी। बाकी इसमें हॉर्न लग रहे हैं मिंडा के D95 वाले कनेक्शन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी इसके अंदर हैजार्ड फ्लैशर और ऐड ऑन होने वाला है, तो बाइक को रेडी होने दो। रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें लगा दी हैं और किस तरीके से लगाई हैं, ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो दोस्तों 2017 मॉडल को हमने बना दिया है 2020-22 जो आप कह लो, क्योंकि 20 में ये मॉडल लॉन्च हुआ था वाला ग्राफिक वाला, तो सेम वही ग्राफिक इसमें लगा हुआ है, बट बाइक जो है वो कार्बोरेटर रहने वाली है, ठीक है जी। बाइक की फुल ऑन जो बॉडी है वो भाई ने रिप्लेस कराई थी, कंपनी से कराई थी, काफ़ी ज़्यादा चार्ज लिया है, बट कोई बात नहीं, चार्ज मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिलहाल जो हमने काम किया वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको टैंक पे आपको ग्लोइश नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा ग्लो निकल कर आया है, पैनल पर आप देख सकते हैं यहीं से जस्टिस हो रहा है। बाकी वाइजर आप देख सकते हो हमेशा की तरह काम एक नंबर हुआ है, ठीक है। स्मोक का सारा काम हुआ है पूरी बॉडी लाइन पे, अपर बॉडी पे। इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाई है इंजन प्लेट, ठीक है। बाकी अब बाइक की पूरी प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाया यहाँ पे हीरो की बैजिंग वाला यहाँ पे खुलने वाला लेग गार्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम जो है लुक देता है। और बाकी इसके अंदर लगे हैं दो प्यारे प्यारे हॉर्न्स जो काफ़ी अग्रेसिव है देखने में, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। और बाकी इसके जो इंडिकेटर है उसके अंदर हमने लगाया है LED बल्ब और साथ में उसमें हैजार्ड फ्लैशर, ये देख सकते हैं किस तरीके से काम करता है। तो इसका जो विज़न है काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। पैटर्न जो है इसमें चेंज हो जाते हैं अगेन, ठीक है।
तो वो चीज़ हुई है इसके अंदर, और बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है, बस यही काम हुआ है ना गौरव, यही काम हुआ है ना। ठीक है, तो बस हॉर्न लगाए, लेग गार्ड लगाए, हैजार्ड फ्लैशर, साथ में बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर स्मोक टेप अप्लाई करी है, देख सकते हैं आप। एस टू एस चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे हमने इसके लिए बॉर्डर रूप लगाया है यहाँ पे बहुत बढ़िया, ताकि ये बिल्कुल भी जो है ना श्रिंक ना हो, और ये पूरा यहाँ तक कवर होता है, मतलब एस टू एस जो हमने यहाँ लगाया है। साथ में इसमें सीट से टैंक पे कोई हार्म ना पहुँचे तो हमने लगाया यहाँ पे टैंक पैड, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कुछ नहीं है। बाकी सीट जो है भाई की थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि गाड़ी का मॉडल जो है काफ़ी पुराना रहने वाला है, दैट्स वाई इसमें थोड़ा सा लुक ऐसा आ रहा है। बाकी गंदी हो रही है गाड़ी, वो बात अलग है, लेकिन जब ये वॉश हो जाएगी तो फिर काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, बाकी ये गाड़ी आ रखी है यहाँ पे, गाड़ी कंप्लीट हो गई है, भाई लेके जाएंगे, कोई दूसरी बाइक आने दो स्प्लेंडर वो आपको दिखाऊंगा। भाई अभी हालत देखो ऐसी हो रही है कुछ, यहाँ से जो है ये हटने लगी है, ठीक है, और इसकी जो है ये दिक्कत आ रही है, यहाँ से जो है ये फट चुका है। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ, कभी भी प्रेशर लगवा रहे हो या कटवा रहे हो तो बहुत तरीके से रखो, उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये कैसी हालत हो रखी है। हम लोग करेंगे इसके ऊपर से कवर, तो उससे क्या होगा, इसकी लाइफ भी होनी रहेगी और मोनोग्राम भी ख़राब नहीं होगा। तो ये चीज़ ऐसी हालत हो रखी है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में, तो ये बाइक बिल्कुल एकदम ओके ओके हो जाएगी। बाकी देखो यहाँ पे एक बॉर्डर यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, बट पता नहीं क्या कर रखा है, ये क्या टूट गया था क्या यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है यार, मैं तो कह रहा था गाड़ी वॉश करा दे, ज़्यादा मज़ा आता। क्या ये स्मेल आ रही है ना इसकी गम की, दोस्तों स्मोक छुड़ाने में हो रही है दिक्कत, गम छोड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी, अब ये गम साफ करने के लिए पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और सबसे चीज़ मेन जो है वो आपको यहाँ दिख रही होगी, यहाँ पे मार्किंग देखो, पेंट ही हट चुका है यहाँ पे, इसकी जो मेटल होती है वो दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैंक पैड नहीं लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा उतारने के बाद मैं भी आपको दिखाता हूँ उतार के। यार ये देखो जिसे उतर रही है ना, इसमें देखो गम, देखो देखो ये देखो इसमें गम छूट रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइनें भी दिख रही हैं, तो इस वजह से क्या है इसमें काफ़ी स्क्रैच आ चुकी हैं। अभी फिलहाल इसको क्लीन करने दो, क्लीन करने के बाद आपको दिखाऊंगा पेट्रोल से क्लीन करने के बाद कितने स्क्रैचेज में हैं और कितनी नहीं, और उसके बाद जब टेप हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे जो है ना, मेक श्योर जब भी आप टेप करा रहे हो यहाँ से कराओ, कहीं से भी कराओ आप, ठीक है, बट यहाँ पे फॉर्म पैड ज़रूर लगवाया करो, उससे क्या होता है आपका पेंट जो है यहाँ का ख़राब नहीं होता है। ठीक है जी, बाकी तीन तीन भाई लगे हुए, देखो एक नीचे बैठा हुआ है, ये गुलाबी, ये गुलाबी, ये गुलाबी, वो भाई तीनों गुलाबी हो रहे हो, चक्कर क्या है? वो अंदर भाई कस्टमर आया, वो भी गुलाबी, क्या बात है। पुन्ना भाई कितनी दिक्कत आ रही है इसे हटाने में? बहुत दिक्कत आ रही है, गम दबा के छोड़ रही है, मतलब गम से भरी हुई है, खैर दुनिया गम से भरी हुई है, फिलहाल टेप क्यों ना हो, है ना भाई। तो दोनों भाई लगे हुए हैं, पुन्ना भाई भी लगे हुए हैं, कस्टमर भाई जो आया बाइक लेके वो भी लगे हुए हैं, लाओ मैं मेहनत करूँ भाई, लेकिन पैसे कम नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ अपना इसको ना 3D हम लोगों पूरा कवर कराना, और जब कभी प्रेशर धुलवाओगे तो यहाँ पे फुहारा जोर से मतलब डायरेक्ट में पड़वाना। ठीक है, बस और कुछ नहीं होने वाला। जब ये पूरी गम हट जाएगा ना, चमक जाए, बताइए मुझे, मैं एक बार भाइयों को दिखाऊंगा कि भाई देखो कैसी कंडीशन निकली। बाकी देख सकते हैं आप किस तरीके से ये फोर्स लगाकर टाइट से इस पेट्रोल से रगड़ रहा है भाई साहब टैंक को, तब जाके गम हट रहा है, इतना खतरनाक गम लगा हुआ है। ये भाई टेप कहाँ से कराई थी आपने वैसे? कितने पैसे लिए तुमने? 800। तो दोस्तों हम लेते हैं 1000 रुपये, वहाँ पे 800 रुपये लिए भाई से। और कितने महीने हुए टेप को भाई हुए? 7 महीने भाई, 8 महीने बाद हमारी टेप हटाना, गम नहीं मिलेगा आपको, ये लगा लो आप, तो चीज़ देख लो आप, ये देखो आप हालत क्या हुई है गाड़ी की। दोस्तों ये वाली बाइक आई है हमारे पास से, हमारे पास अलीगढ़ से। ठीक है जी, आजकल अलीगढ़ के भाई जो हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है जो बातें उनसे मिलकर भी। तो अलीगढ़ से बाइक आई है, इसमें होने वाली है फुल बॉडी स्मोक होगी, या फिर ट्रांसपेरेंट जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। इंजन प्रोटेक्शन के लिए इंजन प्लेट लगाई जाएगी इसके अंदर, और इसमें लगेगा हैजार्ड फ्लैशर LED बल्ब के साथ, मतलब ये बेसिक का काम कराने अलीगढ़ से आए हैं, बल्कि अलीगढ़ से 10-20 किलोमीटर आगे से आएँ, आपको मिलवा दूंगा इसी वीडियो में। बाइक रहने वाली सिंपल सोवर, बाकी अलीगढ़ में कोई विकास ऑटो व्हील्स है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अलीगढ़, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको अपने पास से बोल रहा हूँ कि भाई इतनी दूर से बंदा चल के आया, नहीं, बंदा चला के लेके आया और काफ़ी दूर से आया, जो बात है इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो काम हो रहा है बेसिक सा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिनिमम सा, चलान वलान कुछ कोई टेंशन नहीं है, कोई बजट जो है आपका ख़राब नहीं होगा, सिंपल सी बात है। 1000 रुपये के आसपास की टेप हो जाएगी, 200-300 रुपये के अंदर ये जाएगा तुम्हारा प्लेट लग जाएगी, और रही बात फ्लैशर की इंडिकेटर की, तो 700-750 रुपये में विथ फिटिंग करके मिल जाता है, तो मतलब ये लगा लो मोटा मोटा कितने हो गए जी, 2000 रुपये के अंदर ये काम हो जाएगा मिनिमम सा, जिससे कि आपकी बाइक भी प्रोटेक्ट रहेगी और काम भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर दे।
तो बाइक वाली खोल दी अलीगढ़ वाली, सीट निकाल दी, साइड पैनल निकाल दिए, पीछे का ग्रैब हैंडल निकाल रहे हैं। ग्रैब हैंडल पूछ ले भाई से, ग्रैब हैंडल चेंज होना है कि नहीं होना, नहीं तो फिर ये वापसी लगा दें। है नहीं होना, ठीक है। तो ग्रैब हैंडल भाई मना कर रहे हैं, ये लगाएंगे क्योंकि आगे जाके इनको सामान वामान रखना होगा इस वजह से। बाकी इस बार इसमें इंजन ब्रेक लगा बेटा फटाफट। दोस्तों ये देख रहे हो आप कितनी सारी स्क्रैचेस गिरी हैं, ये माइक्रो लेवल पे जो है ना स्क्रैचेस पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये क्या है कि कपड़ा गंदा यूज़ करने से, टेप गलत लगाने से, ये इसके टैंक की हालत हो चुकी है। अभी टैंक में बिल्कुल भी जो है ना चमक आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल भी नहीं रही है। कपड़ा मार लिया, पेट्रोल से सफाई कर ली, उसके बाद भी जो है ना भाई साहब पता नहीं क्या गम था जो ऐसा बुरा हाल कर गया टैंक का, जो समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो है ना इसके ऊपर जो पेंट के ऊपर जो क्लियर कोट लगा होता है, मे बी वो जो क्लियर है ना वो हमारा डल पड़ चुका है इस बाइक का, जिसके वजह से क्या है ये टैंकी डल दिखाई दे रही है। क्योंकि बात करें पेंट की तो पेंट ही रहा और ये क्लियर कोट है सारा, ये सारा क्लियर है, बट क्लियर जो है वो इसका ख़राब हो गया। अभी इसकी चमक लाने के लिए हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे टेप हमारी जो बढ़िया वाली हम यूज़ करते हैं, उससे क्या है कि इसकी चमक इन्हेंस हो जाएगी, जितने भी माइक्रो लेवल पर स्क्रैचेज हैं वो जो हैं छुप जाएंगे। लेकिन अभी जो है ना इसके वजह से एक चीज़ है जो भाई से पहले पता करूँगा, उसके बाद ही फिर डिसीजन लेते हैं। भाई अगर हम इस पर वो कराएंगे ना स्मोक, तो ये जो डिज़ाइन है ना आपका ये वाला जो बन गया है ये एरेडिस दिखेगा। या तो एक काम करो, इतना पार्ट कराओ आप ग्लॉसी ब्लैक और इतना करा लो स्मोक, या फिर पूरी गाड़ी ब्लैक करा लो जो चल रही है। तो ये होता है लोकल टेप कराने का फ़ायदा मतलब, और नुकसान देख सकते हैं। 200 रुपये बचा लेते हो आप उस टाइम पे, वो सोचते हो कि फ़ायदा हो गया, बट 200 रुपये बचाने चक्कर में ऐसा रिजल्ट मिलते हैं देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है जी। बाकी अभी ये गाड़ी जो है पूरी एकदम क्लीन हो चुकी है, पेट्रोल से गम वम छुटा दिया इसका, अभी जो है इसमें करने वाले हैं टेप। बाकी साथ में आपको दिखाऊँ ये वाली बाइक, ये BS6 मॉडल की 2022 लेटेस्ट रहने वाली है। इसके अंदर सिर्फ जो है स्मोक की जो है क्वालिटी वाली हम लगाने वाले हैं टेप, ठीक है जी, वो उसमें पूरी हो जाएगी, इंजन प्लेट लग जाएगी, और तो कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर, बस बेसिक काम हो रहा है। ये दो इसी वीडियो में ये दोनों बाइक आपको दिखाऊंगा लास्ट में जब ये जाएंगी, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर हो गया सारा काम, ये भाई आए थे अलीगढ़ से भाई लेकर आए यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है जी। काम हुआ इसमें बॉडी लाइन का, स्मोक टेप, इंजन प्लेट और हेडलाइट पे ग्रिल, मतलब पूरा ग्रिल का सेट डाला है, जिसमें हमारा इंडिकेटर, हेडलाइट और टेल लाइट और सेम पीछे के टेल वाले जो इंडिकेटर की ग्रिल होती है। तो ये काम हुआ है इसके अंदर, काम हुआ है बहुत बेसिक काम, बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी भाई लोग जो हैं अलीगढ़ से आए थे यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये टैंक वो वाला है जो मैं आपको बता रहा था ना, इसमें स्क्रैचेस बहुत सारे आ गए थे, बहुत ज़्यादा गम देखने को मिल रहा था, यहाँ पे भी अजीब सा वो स्टिकर सा बन गया था, तो वो देख सकते हैं एकदम क्लीन हो चुका है। कैसा हुआ भाई काम? बढ़िया, मज़ा आ गया ना, अब तो नहीं कराओगे लोकल जगह से काम? तो भाई रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे हमने कर दिए ग्लॉसी ब्लैक, साइड में कर दिया हमने स्मोक टेप, उससे क्या है कि हीरो की बैजिंग भी विजिबल हो रही है और पूरी बाइक जो एकदम नेक्स्ट न्यू हो चुकी है देख सकते हैं, वॉश होने के बाद अच्छी लग रही है। बाकी भाई को मैंने सजेस्ट किया था कि नया वाला फेंडर भी लगा लो, बट भाई बोल रहे हैं कि क्लेम लेंगे ये फ्यूचर में, इस वजह से इन्होंने जो है ये छोड़ दिया है, ठीक है भाई, यही बात है ना, ठीक है। बाकी भाई ओके हो गई, काम कैसा हुआ है? एक नंबर, ठीक है। तो भाई ये सारा काम इसके अंदर हुआ है, बहुत बेसिक काम हुआ है, मिक्स वीडियो में ये होता है कि आपको मैं छोटे छोटे एक पार्ट दिखाता रहता हूँ बाइकों के अलग अलग, कि हाँ भाई इसमें ये काम हुआ है, इसमें वो काम हुआ है। तो ऐसे दो भाई आ रखे थे अलीगढ़ से, उनका मैंने आपको दिखाया काम। बाकी ये भाई आए थे यहीं मदनगिर के साइड से, दक्षिणपुरी मदनगिर, तिगड़ी लाइफ बिगड़ी बाइक की, तो सीन ये था, लेकिन अब तो हमने लाइफ सेट कर दी बाइक की, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.